नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीतने के बारे में। क्या ग्रैंड लीग जीता जा सकता है दोस्तों? क्या यहां पर ड्रीम इलेवन में आपने किसी भी अपने ऐसे जानने वाले व्यक्ति को देखा है जो ग्रैंड लीग जीता हो दोस्तों? तो आपको यहाँ पर एक साफ साफ प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों, जहाँ से आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि ग्रैंड लीग ड्रीम इलेवन के अंदर आप नहीं जीत सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों। जीतने से आशय मेरा ये है कि नंबर वन नंबर टू रैंक आप नहीं ला सकते ड्रीम इलेवन के अंदर, क्योंकि ड्रीम इलेवन आपको स्वयं ये रैंक देगा नहीं। क्योंकि आप जितनी भी चाहे टीम क्रिएट कर ले, मेरा मतलब इलेवन ही क्रिएट कर सकते हैं, तो इलेवन की इलेवन टीम में आप वो प्लेयर नहीं पिक कर पाएंगे जो वास्तव में होगा। आप टेन प्लेयर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इलेवन नंबर प्लेयर तक आप पहुंच नहीं सकते हैं दोस्तों। इसका मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं दोस्तों। यहां पर क्रिकेट से मैं बात करूंगा दोस्तों, हाल ही में मैच संपन्न हुआ PCU वर्सेस ISM दोस्तों, उसका ये ग्रैंड लीग की टीम यहाँ पर ड्रीम इलेवन के द्वारा दिखाई जा रही है। यहाँ पे जब मैच फिनिश हो जाता है दोस्तों, तो ड्रीम इलेवन में एक ड्रीम टीम नज़र आती है, जिसमें 11 के 11 प्लेयर्स कौन से थे दोस्तों, जो टॉप परफॉर्मर्स रहे दोस्तों, जो कि अपनी टीम में कोई ना कोई मिसिंग रहता है, और ये ड्रीम टीम बन के हमारे टीम में आ जाते हैं जो हमने टीम सेलेक्ट की होती है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कि ग्रैंड लीग आप जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रैंड लीग आपको स्वयं ड्रीम इलेवन ही जीतने नहीं देगा। आपने एक बात जरूर नोटिस करी होगी ड्रीम इलेवन ड्रीम टीम के अंदर, कि आप जिसको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, एक दो प्लेयर ऐसे होंगे जो कतई आप अपनी टीम में नहीं ले सकते थे, या नहीं किसी ने नहीं लिया होगा लगभग, लेकिन फिर भी आप दोस्तों देखेंगे कि वो प्लेयर्स टीम के अंदर होंगे। यहाँ पर बात करते हैं इनकी दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इनका परसेंटेज आप चेक करिए दोस्तों, यहाँ पे 4.6% है। मुझे लगता है कि ना के बराबर लोगों ने ही इनको टीम में पिक किया होगा। बात करें अगर इनका कैप्टेंसी रेटिंग, तो आप कैप्टेंसी भी देख लेते हैं, इनका कैप्टेंसी रेटिंग 0 से भी नीचे रहेगा, और 0.2 यानी कि 0.10 भी नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर इनको टीम में ड्रीम इलेवन टीम में, और जो भी बंदा अगर आप ग्रैंड लीग खेले हों, चाहे 15 रुपये वाला खेले हो, चाहे 35 रुपये वाला खेले हो, चाहे उससे ऊपर, चाहे 100 से 200 से 300 रुपये वाले तक का अगर आप खेले होंगे दोस्तों, तो आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों कि जो भी नंबर वन आया होगा उसके पास ये प्लेयर जरूर से जरूर मौजूद रहा होगा। तो जितने भी या आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिन्होंने भी खेला होगा, तो कितने परसेंटेज लोगों ने इनको पिक कर लिया, जबकि आप जितने भी कॉन्टेस्ट में देखेंगे ये नजर आने वाले। तो दोस्तों, ये ऐसा है कि ड्रीम इलेवन स्वयं अपनी टीम लगभग, मेरा मानना है, शायद क्रिएट करती है, या बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर से टीमें बना ली जाती है जिसमें 1000 से 1500 टीमें बन जाती है, जब आप किसी भी प्लेयर को पिक कर सकते हैं। और जब वो टीम में पैसा, हमें तो पैसा लगाना रहता है, पूरा 11 टीम बनाएंगे तो 11 में पैसा लगाना रहेगा, लेकिन ये 1000 से 1500 में पैसा भी नहीं लगाया जा सकता है टीमों के अंदर। लेकिन यार ड्रीम इलेवन स्वयं अपनी टीम क्रिएट करता है, शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है कि हम यहाँ पे जीत नहीं सकते। देखिए, मैं आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देवांग शाह का परसेंटेज देखते हैं, सेलेक्टेड बाई 95.98। देवांग शाह को यहाँ पर 95.98% लोगों ने अपनी टीम के अंदर पिक किया हुआ है दोस्तों। आप गौर फरमाइएगा और इस बात को याद रखिएगा। अभी मैं आपको स्टेट्स पे दिखाता हूँ, और यहाँ पे यू जावेद जो कि कैप्टन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इनका क्या परसेंटेज है, तो 90.72% है इनका, जितने परसेंट लोगों ने पिक किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर से कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी रेटिंग तो नहीं देखी जा सकती है, लेकिन जब आप अपनी टीम क्रिएट करते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों ने इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों। तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया करिए दोस्तों, देखिएगा डेडलाइन होने के बाद दोस्तों, जब टीमें चालू हो जाएंगी तो देखिएगा वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको फेर बदल मिलेगा। तो देवांग शाह का दोस्तों हम लोगों ने देखा था 95.98, जबकि दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां पे देखिए स्टेट्स के अंदर दोस्तों कि कितने परसेंट लोगों ने पिक किया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 96.4% लोगों ने अपनी टीम में देवांग शाह को पिक किया है। ये अंतर क्यों दोस्तों? यहाँ पर कैप्टेंसी 46.9, 17.6 वाइस कैप्टेंसी रेटिंग है। अब यहाँ पर दोस्त देखिए, जबकि आप स्वयं देखिए यहाँ पे 95.98% लोगों ने देवांग शाह को अपनी टीम में पिक किया है, यहाँ पे 96 कैसे हो गया दोस्तों? और कितना अंतर हो गया जाके, यहाँ पॉइंट का फ़र्क पड़ जाता है ड्रीम इलेवन के अंदर। अब बात करें ग्रैंड लीग की, तो दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा अंतर है दोस्तों, यहाँ पे लगभग एक का अंतर मिल रहा है, 1% का अंतर मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए 7 का मतलब है कि 70 है यहाँ पर, तो 0.2 का अंतर मिल रहा है दोस्तों। ये अंतर रहेगा, और ये अंतर इसलिए क्योंकि ड्रीम इलेवन
अपनी टीम खुद ही क्रिएट करके रखता है या कुछ भी हो दोस्तों यहाँ पर, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स क्रिएट करते हैं, ये बाद में कैसे संभव हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये वो टीम है डेडलाइन के बाद जो परसेंटेज है ये वही परसेंटेज रहेगा। देवांग शाह का अगर आपने अपनी टीम में लिया होगा तो 98.95 दिखाएगा, 95.98 ही दिखा रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ कैसे बदल गया दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। और इसी तरीके से एक और बात दोस्तों, यहाँ पर जो कम परसेंटेज वाले प्लेयर वो कैसे आ गए, उनका कैप्टेंसी परसेंटेज आप देखेंगे 0.2 है इनका कैप्टेंसी रेटिंग, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, यहां पे 0.2 कैप्टेंसी रेटिंग है इनकी। यहां पे दोस्तों गौर फरमाइएगा, यहां पे 0.21 यहां पे देखिए 0.1 रेटिंग है। तो ये सारी बातें दोस्तों आप देखिए ड्रीम इलेवन के अंदर हो रही है, तो यानी कि इससे सिद्ध हो जाता है दोस्तों कि ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। और आपने एक बात नोटिस करी होगी दोस्तों, ग्रैंड लीग जीतने के लिए जब भी आप खेलते होंगे ज़रूर चेक करते होंगे कि शुरुआत में या आधे मैच या 90-70% मैच हो जाएगा, तब उतना बड़ा आप अंतर नहीं देखेंगे कि हमारी टीम अच्छा चल रही थी तो 1000 के नीचे हो गई या 10,000-11,000। लेकिन जब आप देखेंगे लास्ट में मैच में चल रहा होगा, दो ओवर में ही कौन लाखों का अंतर डाल देते हैं, 20-30-25,000 रेटिंग से आप अगर एक रन बना और वो प्लेयर आपके अंदर नहीं है, आपके पास नहीं है दोस्तों, आपकी टीम में नहीं है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि कई हज़ार आपको पीछे कर देंगे। और जबकि आपका प्लेयर जो रन बना रहा होगा उसी रेटिंग में उसी परसेंटेज वाला, तो आपको उतना इंक्रीज़ नहीं करते, ऐसा आपने ज़रूर से ज़रूर नोटिस किया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ग्रैंड लीग के अंदर नामुमकिन के बराबर जीतना है दोस्तों, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहें और इस तरीके के प्लेयर्स लें दोस्तों और रिस्क करें। और मैं समझता हूँ कि 13 रुपये वाला 15 रुपये वाला या 30 के अंदर या 40-50 के अंदर वाला ही ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट खेलें, ज़्यादा बड़ा खेलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, हेड टू हेड और स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट खेलकर आप ज़रूर से ज़रूर अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के फ्रॉड की कोई आशंका नहीं रहती। और स्मॉल लीग और हेड टू हेड को जीतना आसान है, साथ ही साथ इसके लिए कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों अगर आप कहें दोस्तों तो मैं हेड टू हेड और स्मॉल लीग को कैसे विन करें 100% 95% से भी ज़्यादा जो दोस्तों मैं आपको टीमें प्रोवाइड करता हूँ वहाँ अपनी टीमें जीतती हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हेड टू हेड की टीम कैसे क्रिएट करें, अगर आप हमेशा वीडियो नहीं देख सकते, हमेशा टीमें नहीं देख सकते न पता कर सकते हैं, या मैं नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, तो आप स्वयं भी बहुत अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हैं टू एन हेड के अंदर, स्मॉल लीग के अंदर कॉन्टेस्ट में किस तरीके भाग लेना है और इनके भी फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, तो मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों तो मैं ज़रूर से ज़रूर 5 मिनट का वीडियो दोनों टीमों को बनाने का ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये आपको एनालिसिस और ये ग्रैंड लीग के बारे में जो मैंने बताया आपको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने कोई बात नोटिस करी तो दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो लोग कॉमेंट पढ़ रहे हैं तो उनको भी दोस्तों पता चले और वो भी थोड़ा सजग हो सके। तो मैं तो बस आपसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूँगा दोस्तों कि ग्रैंड लीग अवॉइड करिए और स्मॉल लीग और हेड टू हेड ही प्रीफर करिए, ताकि आप जीत सके दोस्तों। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कॉन्टेस्ट में भाग लेने के बाद जब टीमें अनाउंस हो जाती तो ज़रूर से ज़रूर टीमों को चेक किया करिए दोस्तों, कितना भी भला कोई ना बता दे कि ये टीम 100% जीतेगी, ये प्लेयर्स 100% चलेंगे, फिर भी आप ज़रूर से ज़रूर थोड़ा अपना दिमाग ज़रूर लगाएं, चाहे बात SL की हो चाहे बात हेड टू हेड की हो दोस्तों, तो वहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर टीम अनाउंस होने के बाद ये ज़रूर देखें। और टीम अनाउंस होने जहाँ पर ड्रीम इलेवन टीमें अपनी अनाउंस करती है, ऐसे ही कॉन्टेस्ट को खेलें, ऐसे ही लीग को खेलें दोस्तों, बाकी की अवॉइड करें दोस्तों। मैं अब आपसे विदा चाहूँगा और आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।